अब एलिस के सामने वही समय चक्कर था, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उसे घड़ी के खतरनाक पेंडुलम को पार करना होगा। पर फिर वो घबराती हुई पेंडुलम के ऊपर चढ़ जाती है और जैसे तैसे करके उस समय चक्कर तक पहुंच जाती है। वो समय चक्कर वहां पर तेजी से घूम रहा था, लेकिन एलिस उसे चुरा लेती है। पर ऐसा करने से समय महल की शक्ति चली जाती है, यहां तक कि समय गुरु के ऊपर भी इसका गहरा असर पड़ता है, जिसके बाद वो सीधा उस समय चक्कर की ओर तेजी से भागता है। पर अब ऐसा करने से महल के सारे सिपाही एक दूसरे से जुड़ने लग गए और एक खतरनाक सिपाही में बदल गए। इन सभी को देखकर बुरी तरह से घबरा गई और वहाँ से आगे की ओर भागने लगी, और इधर समय गुरु भी उसके पीछे तेजी से आ रहा था। पर तभी वो नीचे गिर जाती है और समय चक्कर उसके हाथों से गिर के एक सिप में बदल जाता है, जिसके बाद एलिस सीधा उसके अंदर बैठ जाती है और उसे लेकर समय में पीछे यात्रा शुरू कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब इसकी वजह से समय महल और समय गुरु दोनों मरने लगते हैं, क्योंकि समय चक्कर से ही उन्हें ऊर्जा मिल रही थी। फिर समय गुरु भी उसके पीछे निकल जाता है। पार्ट 5 के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करें।